रिप्लाई और जिस प्रकार से कहा कि हम नहीं करेंगे नहीं करेंगे नहीं करेंगे, उसके बाद कुछ बच ही नहीं जाता है। मैं सोचता हूँ हम जिस विषय को लेकर के पिछले 4-5 दिन से इस सदन की कई गरिमाओं को टूटा है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन हमारी मजबूरी है कि आखिर ये जो इतने लाखों बच्चों ने जो परीक्षा दी है, आप अगर सीट मंगा के देखोगे तो आश्चर्यचकित रह जाओगे। 1 लाख बच्चे ऐसे हैं इस परीक्षा देने वाले में जिनके अंक 135 150 में से 135 से अधिक हैं। इसका मतलब यह है कि वही बच्चे सेलेक्ट होंगे इसमें। तो वो जो गरीब का बच्चा जो किसी कारण से ट्यूशन पे नहीं जा पाया या नहीं, उसके जीवन में तो एक अंधेरा छा गया ना। मैं सोचता हूँ इतना महत्वपूर्ण, और मैंने तो ये भी कहा कि अगर मेरे टाइम पे भी कोई कमी रही है, कोई गलती हुई है, तो जाँच करा, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन इस जांच का कहीं तो अंत तो जाना चाहिए, ताकि भविष्य में ये जो रिपीटेशन होता है लगातार कई बार, इस गैंग को तोड़ना आवश्यक है। और ये गैंग, इसलिए मैंने आपसे उस दिन भी कहा कि जब बोर्ड का अध्यक्ष ये कह देता है कि ये जयपुर मेरे काबू में नहीं था, 32 जगह तो मेरे आदेश की पालना हुई और यहाँ राजनीतिक संरक्षण में सारा काम हुआ, इसके कारण से ये पेपर जो है स्ट्रॉन्ग रूम से, अगर कोई और तरीके से होता तो समझ में आता है स्ट्रॉन्ग, तो सच में हम इस बात के लिए तैयार नहीं हैं, ईमानदारी से आपको कह रहे हैं। आज भी उन बच्चों की जो दर्द है वो मैं अपने माध्यम से, अपने दल के माध्यम से, जनता के प्रतिनिधि के नाते बहुत ही इत्मीनान से निवेदन कर रहा हूँ कि इन चोरों के गिरोह का सिरताज पकड़ में आना चाहिए, तब जाकर के उन बच्चों को ये संतोष होगा कि वास्तव में इस जाँच में वो व्यक्ति भी पकड़ में आया जो इस सारे कांड का सरगना है, जिसके कारण से हुआ है। अगर इसके बाद भी सरकार की मंशा नहीं है तो मैं और मेरा दल है ना इसको वॉकआउट करते हैं, और तब तक लड़ेंगे जब तक इसके बारे में कोई निर्णायक तौर पर जाकर के बातचीत नहीं होती है। भले ये लड़ाई लंबी चले तो चलेगी, जैसा भी होना होगा, मेरा जवाब सुन के इस बारे में कभी भी तैयार नहीं हूं। भागो मत, भागो मत, भाग रहे हो, भाग रहे हो, भाग गए, भाग गए। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं आपसे कि कल आपने बहुत लंबी डिबेट करवाई थी, और माननीय राजेंद्र जी राठौड़ को भी और प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद जी कटारिया को भी पूरा मौका दिया था, कभी कोई इंटरप्शन बीच में नहीं था। ये जो बातें आज कही है इन्होंने, इससे भी विस्तार से इन्हीं बातों को कल उठाया था उन्होंने, कोई नई बात नहीं उठाई। इनको अच्छी तरह से मालूम है इस बात का कि राजस्थान में 5 स्थान ऐसे थे, 5, अकेला जयपुर नहीं, 5 स्थान ऐसे थे जहां पर कि जो है वो जो उप कोषागार या उप कोषागार में ये प्रश्न पत्र नहीं रखे गए। वो प्रश्न पत्र रखने की जिम्मेदारी किसकी थी? वो जिला परीक्षा समिति की थी, जिसका अध्यक्ष कलेक्टर होता है। क्यों? वो ये देखता है कि कोषागार में जगह है या नहीं, उप कोषागार में जगह है या नहीं। अगर जगह नहीं है तो वो ये तय करता है। हमने तो फिर भी यहाँ के कलेक्टर ने तो उस शिक्षा समिति में प्रस्ताव पास करवा करके फिर भी शिक्षा संकुलन में रखा, क्योंकि सरकारी बिल्डिंग है, सरकारी भवन है। इनके वक्त में तो इन्होंने प्राइवेट स्कूल में रख दिए थे। और इसके अलावा भी हमने तो 38 आदमी तो गिरफ्तार कर चुके, इतनी तेजी से जो है एसओजी जांच कर रही है। इनके टाइम पे तो इन्होंने जांच ही नहीं दी। 16 में इनके पेपर रीट का पेपर आउट हुआ, 18 में रीट का पेपर आउट हुआ, उसकी जांच तक नहीं करवाई गई इनसे। आज ये अच्छे बन करके ये सब ये निम्बाराम के चेले हैं, भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए दुनिया जानती है कि ये ठगोतों का संघ है, और उसी के सब ये सारे के सारे जितने भी लोग बैठे हुए हैं ये उससे संबंधित लोग हैं। जिस बदनाम संस्था के ये सदस्य हैं, इसलिए ये दूसरे को भी बदनाम करना चाहते हैं। कुल मिलाकर के इनका मकसद ये है
कि किसी प्रकार से ये सीबीआई में चले जाए, ताकि सीबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, केंद्र सरकार के हाथ में, यहाँ के दफ्तर सील कर देंगे, यहाँ की ट्रेजरी सील कर देंगे, यहाँ की जो है क्या नाम है बोर्ड का कार्यालय सील कर देंगे, ताकि सरकार जो है जो 62,000 की भर्ती करना चाहती है वो भर्ती रुक जाए। इनका मुख्य मकसद ये है कि लोग बेरोजगार को रोजगार नहीं मिलना चाहिए, कांग्रेस सरकार जो है वो भर्ती न करे, मुख्य मकसद ये है। वरना ये एसओजी के खिलाफ एक शब्द तो बोल दें, एक बता दें कि एसओजी जिस लाइन से इन्वेस्टिगेशन कर रही है क्या वो गलत है, क्या इनके क्या सुझाव हैं? अगर उन सुझावों को जो है एसीबी नहीं मानती है, इनके द्वारा दिए गए तर्क या सबूत अगर एसओजी नहीं मानती है तब तो फिर भी सवाल उठता है। लेकिन एसओजी बाकायदा एसओजी की जांच की तारीफ कर चुके हैं ये लोग, और आज कहते हैं कि एसओजी ये सब दिल्ली के इशारे पर करने वाले लोग हैं, इनका खुद का दिमाग नहीं है कुछ भी, ये बिल्कुल ऊपर से खाली है। लेकिन इस प्रकार से जो है डायरेक्शन इनको इनके जिस प्रकार से सारा का सारा कर रहे हैं, इनका मुख्य मकसद यही है कि ये कांग्रेस की सरकार, ये अशोक गहलोत जो 62,000 आदमियों की भर्ती करना चाहता है वो किसी प्रकार से रुक जाए, मुख्य मकसद ये है।